नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज हरियाणा बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, जहां कई सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर पहली बार बतौर वित्त मंत्री 28 फरवरी को बजट पेश करेंगे। आज प्रश्नकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा होगी। 26 फरवरी को प्रश्नकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान होगी। 27 फरवरी प्रश्नकाल और गैर सरकारी काल रहेगा। 28 फरवरी को सीएम मनोहर लाल खट्टर बजट पेश करेंगे। 29 फरवरी और 1 मार्च को विधानसभा की छुट्टी रहेगी। 2 मार्च को प्रश्नकाल और बजट पर सामान्य चर्चा रहेगी। 3 मार्च को प्रश्नकाल और बजट अनुमानों पर चर्चा होगी। 4 मार्च को प्रश्नकाल होगा और विधानसभा सत्र समाप्त होगा। आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं बजट सत्र की कार्यवाही में। ड्रा के माध्यम से ये क्वेश्चन सिलेक्शन का जो पत्ती बनाई है पार्लियामेंट्री पैटर्न पे, इसके लिए मैं आपको इसका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी परंपरा है, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। मंत्री जी, जैसे आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही लेंथी आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है। आपने कम से कम 35 पेजों का उत्तर आपने दिया है, इसके लिए मैं भी आपको बधाई देता हूँ। मंत्री, जैसे आपने बताया हरियाणा में 602 गौशालाएं हैं, इनमें 4 लाख समथिंग जो है पशु रहते हैं और इनमें जो है करोड़ों की संख्या में जो है करोड़ों की राशि जिनमें खर्च भी की जा रही है, डॉक्टरों की संख्या भी ठीक है। तो मैं फिर भी इसके बावजूद भी आज हरियाणा के गांवों में और शहरों में और खेतों में जो है ये गोधन की काफी संख्या में ये फिर भी मिल जाते हैं। आजकल ये हिंसक भी हो गए हैं, इनसे काफी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, तो ये खेतों में भी नुकसान कर रहे हैं किसानों के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनसे रोकथाम के लिए आपका मंत्रालय, आप इसमें क्या ठोस कदम अपनाने जा रहे हैं? मैंने कल भी बताया था माननीय सदस्य जी कि अब जो हम नीति बना रहे हैं कि जो गौशाला बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय देगी तो उनको नीति बनाकर अलग से ग्रांट दी जाएगी और उस नीति की वजह से जो सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशु हैं वो सारे करके गौशाला में आ जाएंगे। मेरा सेकेंडरी प्रश्न आपसे माननीय मंत्री जी ये है, जैसे 18-19 में 40 करोड़ के लगभग जो राशि प्रदान की गई गौशालों को और ये 19-20 में ये घट करके 21 करोड़ होगी, समथिंग हो गई है। एक तो मैं जानना चाहता हूँ ये राशि कम कैसे हो गई, दूसरा कुछ गौशालाएं ऐसी हैं इसमें जो मैंने देखा, जो आपने जवाब दिया है विशेषतया 549 से लेके 567 पे, इन गौशालों को कोई भी जो है राशि प्रदान नहीं की जा रही है, तो इनको ये राशि क्यों प्रदान की जा रही है? गौशालाओं को राशि प्रदान करने का नियम है, इस साल हम लगभग 300 रुपये प्रति गौ के हिसाब से ग्रांट देंगे, लेकिन वो गौशाला पंजीकृत होनी चाहिए और पहले दी हुई राशि उसका जो उसने खर्चा किया है उसका हिसाब किताब दे देना चाहिए। तो ये जो कागज जब सबमिट कर देती है, बहुत सारी गौशालाएं ऐसे जो पहले पूंजी दी उसका हिसाब नहीं दिया, इसलिए वो आगे राशि लेने से वंचित रहेगी। श्रीमती निर्मल रानी, 42 नहीं श्रीमान। माननीय मंत्री जी, ऐसा क्यों नहीं कहने से कैसे? शिक्षा की ओर तो हमारी सरकार का विशेष ध्यान है, जबकि गन्नौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है और एक प्राइवेट महिला कॉलेज है, तो वहाँ पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये मांग है कि वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हो, जबकि हमारे गन्नौर में 2739 बच्चे 12th में एनरोल हैं, इनमें से 1564 गर्ल्स हैं और 1175 बॉयज हैं, तो इनके लिए तो जरूर है। अध्यक्ष महोदय, गन्नौर में पहले से ही एक गर्ल कॉलेज चल रहा है और सोनीपत जिले में 20 कॉलेज चल रहे हैं और इनसे पासी मूर्थल है, मूर्थल में भी 2 कॉलेज चल रहे हैं और बाकी कॉलेज 20 कॉलेज सोनीपत में चल रहे हैं और इनमें से 12 कॉलेजों की जो दूरी है वो 15 से 17 किलोमीटर है। तो जो माने मुख्यमंत्री जी की घोषणा है 20 किलोमीटर की, उसके अनुसार ये 15 से 17 किलोमीटर के बीच में ही 12 कॉलेज उसके पास है। माननीय मंत्री जी, 15 किलोमीटर के रेडियस में एक भी कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज, तो मेरी तो आपसे प्रार्थना कि इस और आप विशेष ध्यान दें।
नहीं, 15 किलोमीटर काफी नजदीक है, जो घोषणा मुख्यमंत्री जी की है ना जी, वो 20 किलोमीटर है कि 20 किलोमीटर के दायरे में अगर कॉलेज नहीं होगा तो वहां कॉलेज का निर्माण कराएंगे। पहली बात तो ये है कि पहले तो गन्नौर में ही कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, वो वहीं है कॉलेज। और दूसरा जो दूरी है वो 15 से 17 किलोमीटर के बीच में जो है 12 कॉलेज है उसके आसपास, तो मेरे ख्याल का संख्या भी इतनी नहीं है। जो वहां है वो शायद 138 की संख्या है, जहां गन्नौर में कॉलेज चल रहा है उसकी संख्या भी काफी कम है। माननीय मंत्री जी, प्राइवेट कॉलेज इतने महंगे हैं और वो गर्ल्स कॉलेज है, गन्नौर से ट्रेन में जब बच्चे सोनी पर जाते हैं तो कई बार एक्सीडेंट हो गए, बहुत बच्चों की डेथ भी हो चुकी है एक्सीडेंटल ट्रेन से, तो ये तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक मांग है, जबकि तकरीबन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गन्नौर में क्यों नहीं? देखिए ये काफी खर्चीला है, 15 असिस्टेंट प्रोफेसर, 15 ही स्टाफ, और 20 करोड़ का खर्च है, और साल का 3.3 करोड़ का वैसे खर्च है। लेकिन ये इसके पास अगर हैं तो काम चल सकता है, मतलब अगर नहीं है तो फिर तो करना ही है, फिर तो मतलब इतना पैसा भी खर्च करना होगा, सारी व्यवस्था करनी होगी। लेकिन क्योंकि ये इसके आसपास ही है, लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में ही इतने कॉलेज हैं, तो मैं समझता हूं कि कोई इतनी जरूरत वहां है नहीं। श्री कुलदीप बिश्नोई जी। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। मेरे आदमपुर हल्के के गांव बाढ़ संबंध में 9.5 एकड़ जमीन पे एक प्रपोज्ड कॉलेज का प्रपोजल था उड़ा साहब की गवर्नमेंट से, और वहां कुछ भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा पदाधिकारी नेत्री के रिश्तेदारों ने कब्जा किया हुआ है 9.5 एकड़ जमीन पे, और 9 अगस्त 2017 से वो स्टे हमारे उन्होंने स्टे पड़े लिया हुआ था 16 में, 17 में स्टे वकेट हो गया, कोर्ट ने पंचायत के हक में फैसला कर दिया। तो मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि वो कब्जा क्या सरकार खाली करवाएगी, और कॉलेज बनाने का प्रावधान अगर है तो कब शुरू करेगी, और कब्जा खाली नहीं कराएगी तो क्या कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी नेत्री के रिश्तेदारों का कब्जा इसने खाली नहीं करवाई? नहीं, 6 कॉलेज ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं, जिनकी जो भूमि है उसका फैसला अभी तक निश्चित नहीं हुआ, तो उनमें से वो भी आपका भी कॉलेज एक है, तो जल्दी उसके बारे में कुछ राजोगे जी देखिए अभी राजोगे जी यहां भर जो मान लेंगे उसने। नहीं देखिए, जो भी नियम अनुसार होगा वो करेंगे, अगर जो भी अगर अगर गलत है तो अगर गलत है तो निश्चित तौर से खाली कराएंगे, नियम अनुसार जो भी होगा वो करके देंगे। मेरे को जवाब नहीं मिला अध्यक्ष महोदय, कोर्ट का ऑर्डर हमारे हक में है, कमिश्नर ने ऑर्डर कर दिया जमीन पे कब्जा हटाओ, नियम के मुताबिक कि हाँ क्यों नहीं कर रहे? नियम के मुताबिक उन्होंने कहा कि नियम के ऑफिस बिरर है, इसका मतलब बीजेपी की ऑफिस बिरर है, खाली नहीं करना चाहते श्री। आप सवाल हनी कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट का ऑर्डर तो मानेंगे सर, हम क्यों नहीं मानेंगे? श्री जयवीर सिंह जी एमएलए। इसका ना करो पर्ट स्पेसिफिक स्पीकर सर, जगमगी योजना के तहत मंत्री जी ने जवाब दिया है, यहाँ अखर खोदा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी जगमगी योजना के तहत गांव नहीं है, छोटी गांव है, और मैं मंत्री जी से ही मिला था, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें। जगमगी योजना के तहत मीटर तो बाहर लगा दिए सर, लेकिन 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही, उनको सिर्फ 14 घंटे बिजली मिलती है, और जो बिल हैं बिजली के वो भी कई गुना बढ़ के आए हुए हैं, तो उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने मंत्री जी से पर्सनली मिलके दिए, तो मैं चाहता हूं उसके ऊपर पूरी अधिकारियों ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी, क्या कारण रहा, तो ये स्थिति पूरी स्पष्ट करके तो पूरा बताया जाए भाई उनके साथ क्या जातियां हुई है, छोटी गांव के जो भी उपभोक्ता है तो कहो तो मैं भी, सारा रिकॉर्ड भी है मेरे पास पत्र, तो कहो तो मैं आपको दे देता हूँ, नहीं आपके पास तो भेजे हुए। ठीक ऐसा है जी, इनके हल्के में 48 गांव है, छोटे गांव में एक में, बाकी जो 47 गांव में कोई भी जगमग योजना में नहीं है। इनका यहाँ अगर हल्के का रिकॉर्ड देखें तो 83 मतलब 70% से ऊपर तक है जो कि बिजली चोरी का मामला है, और उसमें कोई गांव नहीं, सोती एक गांव में हमने 16 घंटे बिजली दी थी, वो भी जब गांव के लोग विरोध करने लगे, लाठियां लेकर निकलने लगे, तो फिर उस गांव का भी कनेक्शन 16 घंटे कर दिया, 14 नहीं है 16 घंटे चल रहा है। और इनका अपना जो गांव है वो इस हल्के में नहीं है,
बड़ौदा में है, पर वहां भी 83% लोग बिल नहीं पे करते। मैं बता दूं, फिर आप बता दें जयवीर सिंह जी, इनके अपने हल्के में। और जितने गांव में, मैं तो कहूं मेरी मदद करें, बिजली पंचायत करें, ताकि वहां लोग गुड पे मास्टर बने। सर कह रहे हैं खरखोदा मेरे विधानसभा क्षेत्र का उसी का गांव है, सोटी। ये तो जो चीज है रिकॉर्ड की है, इसका खरखोदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 45 गांव है। इन 45 गांवों में से MGJJP योजना के तहत पूरा कार्य होने के बाद 11 केवी सोती एक RDS फीडर पे एक गांव यानी सोती को खरखोदा विधानसभा क्षेत्र के 15/8/2019 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गई थी, परंतु अधिक लाइन लॉसेज तथा मीटर रीडिंग और बिल वसूली के कार्यों में ग्रामीणों द्वारा बाधा डालने के कारण बिजली आपूर्ति दिनांक 4/11/2019 को 24 घंटे से घटाकर 16 घंटे कर दी। ये रिकॉर्ड की जाए इसे आप पर मैं काट नहीं सकता। जयवीर जी सरकार की मदद करो, मंत्री जी की मदद करो। मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अधिकारी फिर भी गलत सूचना देते हैं मंत्री जी को। 47 गांव नहीं, खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में 58 गांव हैं और जिसमें 60 गांव शामिल है। मैं पूरी मदद करूंगा, उस पर पूरी इंक्वायरी कराए मैं, कैसे क्या है, कहां कमी है। आप ठीक, थैंक यू। अच्छा, जितने भी गांव हैं, हो सकता है डिलिमिटेशन के बाद कम ज्यादा हो गया। मैंने तो ये बताया था कि इतने गांव जो है जो बिल पे नहीं करते, और ये जो कह रहे हैं ना जी, उसमें 23 मतलब 83% आप ये समझे कि 23% जहाँ 24 आती है, कार को भी 100 की स्पीड से चलाओ तो एवरेज 80-85 आती है, वो 100 नहीं आती। मैं 24 घंटे कहा गया है जगमग योजना में, पर कहीं 23% भी है, कहीं 22.8% भी है, पर सब जगह बिजली जा रही है। मेरे पे 4600 गांव की लिस्ट है, आप कहो तो मैं आप ऑफिस आ जाओ, मैं आपको दे देता हूँ। अध्यक्ष पूर्व विधायक और सरदार निशान सिंह जी पूर्व विधायक उस दीर्घा में उपस्थित हैं, यह सदन उनका स्वागत करता है। अध्यक्ष महोदय, आज मुकुंदलाल नेशनल कॉलेज यमुनानगर के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं, यह सदन उनका भी स्वागत करता है। डॉक्टर कमल गुप्ता जी, प्रश्न नंबर 97 18 है जी। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन में नहीं है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि पिछली टर्म में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की घोषणा की थी कि अगर कोई जमीन या कोई इस तरह की संभव बात हो सकती है तो हम इसका विचार करेंगे, और हमने लगभग 70 एकड़ जमीन हिसार सरसा बाईपास पर, बहुत अच्छी जमीन, उसकी प्रपोजल बनाकर भेजी हुई है। मेरा यह भी निवेदन है कि आज हम इस तरह की बात सोचेंगे। और जो वेस्टर्न हरियाणा है, देखिए उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा वो तो ऑलरेडी काफी डेवलप्ड है, वेस्टर्न हरियाणा जो है वो डेवलप नहीं है। किसी चीज को डेवलप करने के लिए हमें कोई बड़ा काम, कोई इस तरह की बात, और जिसकी जो लोकेशन है हिसार की लोकेशन में, वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां एक ही एक स्थान हरियाणा में ऐसा है जहां पर लाइसेंस्ड एयरपोर्ट है, जब उसकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है वहां की रोड्स की, वहां से चंडीगढ़ की, वहां से दिल्ली की, वहां से रेल की, वहां से एयर की, जब कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो मैं समझता हूं कि अपने को इसके बारे में सोचना चाहिए। और वो जो 67 एकड़ जमीन है, 70 एकड़ जमीन है, उसके बारे में आज हम एक बीज डालें, आज बजट ना हो तो कल परसों तरसों, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, हमें अपलिफ्ट करना चाहिए, हमें खेल को टूरिज्म बनाकर, उसको इंडस्ट्री बनाकर, और भाई साहब बोल रहे हैं उसको इंडस्ट्री, उसको टूरिज्म बनाकर, हमें यह सोचना चाहिए कि किस तरह से हरियाणा का रेवेन्यू बढ़े। ये सब सरकमस्टांसिस जो है ये हमारी फेवर में है, और मैं समझता हूं कि अगर आज आप कहते हैं कि प्रपोजल नहीं है तो इसको पहले उस 70 एकड़ जमीन को लॉक करके उस पर इंडोर क्रिकेट शुरू कर दें, बाद में उसको हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह के बारे में विचार करके हमें हरियाणा को, जो डेवलपिंग स्टेट है, डेवलप्ड स्टेट बनाने के बारे में विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। क-
कमाल कर दिया जी मलिक साहब, ये क्वेश्चन लग रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात करने लग रहा हूँ, बताओ आपका बीच में कोई रोल ही कौन नहीं? सवाल भेजा हुआ है उन्होंने, अपने सवाल पर वो बोल रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये सवाल मेरा, मेरा सवाल है, आदरणीय स्पीकर साहब ने कहा है जब मैं उठ के बोलने लग रहा हूँ और उसमें फिर सप्लीमेंट्री है, बीच में इंटरप्ट करके सारी गड़बड़ कर दो, भाषण नहीं दे रहा। आपने डेवलपमेंट, आपने डेवलपमेंट, आपने वेस्टर्न हरियाणा को छेड़ा नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं मलिक साहब, मेरा निवेदन। अध्यक्ष महोदय, अगर हम बजट की बात करें, हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बजट 468.69 करोड़ का 2019-20 का था, उसमें अगर हम सैलरी, कोचिज की सैलरी और सारी जो हमारा स्टाफ है, कैश अवार्ड है, स्कॉलरशिप है, ये लगाकर अगर हम देखें तो 130 करोड़ के आसपास बचता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए कम से कम 200 से 250 करोड़ चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल का जो ये मांग रहे हैं। हमारे यहाँ एक राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है जो 1987 में बना था, और उसमें कम से कम 8 वनडे मेंस और 6 के आसपास वनडे वुमेन के मैच हुए हैं, और अभी रेनोवेट के लिए उनका बजट पास हुआ था पिछले साल 115 करोड़, और उसमें से 40% जो काम है वो बन चुका है, और कम से कम एक साल और लग जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ हिसार की बात कर रहे हैं, वहाँ स्टेडियम है महावीर स्टेडियम, 18 एकड़ में बना हुआ है, और 15 गेमें का वहाँ पर फैसिलिटी है, 12 के लगभग कोच हैं, और 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं, और अगर क्रिकेट की बात करें तो उस एरिया में कोई भी एक भी इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बना है। मैं सहमत हूँ, जहाँ हम बनाएंगे तभी इंटरनेशनल खिलाड़ी बनेंगे, वहाँ पर कोई ऐसी प्राइवेट अकेडमी भी नहीं है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो ज़्यादा प्राइवेट चलती है और उनका खुद का ही कंट्रोल बोर्ड है। साथ में अगर हम बड़ा स्टेडियम की जगह अगर हम जैसे ये बोल रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, इन्होंने जो क्वेश्चन किया बड़े स्टेडियम की बात की है, तो क्रिकेट स्टेडियम की जगह अगर हम आगे आने वाले जगह, क्योंकि जो गेम वहां पर डेवलप ही नहीं है, वहां पर हमें ग्रास रूट के ऊपर पहले काम करके उसके बाद उसको डेवलप किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, इसके बारे में डेफिनेटली हम विचार करेंगे अगर ये सहमत हों कि वहां पर ग्रास रूट के ऊपर ज्यादा काम किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बजट का ब्यौरा माननीय मंत्री जी ने दिया, मैं समझता हूं कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो जो हम इस क्रिकेट ग्राउंड की बात कर रहे हैं यह एक किस्म से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको हम एक साल के बजट से जोड़कर ना देखें। एक साल में हमने जो बजट जो खिलाड़ियों को दिया, जो कर्मचारियों को दिया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो तो कई 10-20 अलग से उसकी डिमांड होती है, अलग से उसकी एलोकेशन होती है, उसका इससे कोई संबंध नहीं होता। दूसरी बात, अगर वहां कोई खिलाड़ी नहीं हुआ तो जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं भी माना कि जब कोई बात होगी तो ही कोई बात पनपेगी, और दिल्ली में आप जैसे दिल्ली में है, मद्रास में है, बॉम्बे में है, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर कोई खिलाड़ी हुआ तो वहां पर बने। भाषण नहीं, आपका कोई उन्होंने जवाब दे दिया है। हाँ, कि बजट नहीं है। हाँ, बजट, बजट का इससे उससे कोई ताल्लुक, संतुष्टि तो बजट के बिना कैसे बनेगा, पैसे के बिना कैसे नहीं, बनेगा। बजट की तो डिमांड कर रहे हैं ना जी। हाँ, बजट, तो बजट इस साल का नहीं है, अगले साल का, अगले साल में डाल। हाँ, वो बता दिया उन्होंने, कोशिश करेंगे। हाँ, असीम गोयल जी, प्रश्न संख्या 171। यस सर, द टेंडर फॉर अंबाला करनाल क्लस्टर टू सेटअप ए 500 TDP waste to energy plant in village Patvi have been floated 3 times in the past, respectively on 21st September 2017, 5th January 2018 and 5th of March 2019. Because of the poor response, a proposal is under consideration to adopt a decentralized approach and accordingly the tender shall be pre-issued soon. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरा और मंत्री जी का जो मर्ज है, जो दिक्कत है, वो एक ही है। मलकानी कमीशन अनडिवाइडेड हरियाणा पंजाब जब था जी, 1966 से पहले कमीशन बना था, मलकानी कमीशन, उस मलकानी कमीशन ने
एशिया के सबसे गंदे शहरों में से एक अंबाला का नाम लिया। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।